देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला, स्वागत है आपका यूपी क्राइम न्यूज में। अब खबर विस्तार में। महोबा में टॉक टू योर एसपी खाकी ने नाम देकर अपने एक अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत शहर में जगह जगह शिकायत पेटियां टांगी गई हैं। इसमें आम जनता अपनी शिकायत सुझाव सीधे एसपी तक एक लेटर के माध्यम से पहुंचा सकती है। आज पुलिस अधीक्षक कुमार अनुपम सिंह ने फीता काट कर इस अभियान की शुरुआत करते हैं। एसपी महोबा अनुपम सिंह ने बताया कि बहुत से शिकायतकर्ता लोकलाज के भय से अपनी बात खाकी तक नहीं पहुंचा पाते थे। इसी भावना को समाप्त करने के लिए टॉक टू योर एसपी अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सीधे आप अपनी राय, संदेश, गुजारिश और न्याय की मांग को लेटर महोबा पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना लेटर सिर्फ खाकी द्वारा लगाए गए विशेष पत्र पेटिका में डालना है। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। महोबा पुलिस की ओर से ये एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है टॉक टू योर एसपी, यानी कि पुलिस अधीक्षक से बात करें। हमें से बहुत से लोग हैं जो सड़क पर चलते समय या किसी भी वक्त अपने गांव, देहात, शहर या किसी भी क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं होती हैं जो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, सामूहिक रूप से होती हैं, पुलिस विभाग से संबंधित होती हैं। इनके बारे में सामान्यतः व्यक्ति आकर ऑफिस में बता नहीं पाता है। बहुत से जनता के बहुमूल्य सुझाव होते हैं जो हम तक आने चाहिए, वो आ नहीं पाते हैं। बहुत से ऐसे मामले होते हैं जो जनता हमें बताना चाहती है, वो भी नहीं बता पाती, चाहे वो गोपनीय सूचना हो। इन्हीं के मद्देनज़र इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से पुलिस विभाग से संबंधित किसी मामले में, चाहे वो किसी क्षेत्र में अतिक्रमण या किसी प्रकार की अवैध क्रियाकलाप की सूचना देना चाहता है, जानकारी देना चाहता है, तो हमें इसके माध्यम से दे सकता है। ये सीधा संवाद कर सकता है अपने पुलिस अधीक्षक से, उसको संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई होगी। उनके बहुमूल्य सुझावों के साथ में, सूचनाओं के साथ में, अगर पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया जा रहा है तो उसकी भी सूचनाएँ दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में इसमें ये भी कॉलम रखा गया है कि अगर पब्लिक को पुलिस का कोई कार्य सराहनीय लगता है तो उसे भी अवश्य अवगत कराएँ, उससे काम करने वालों का हौसला बढ़ता है। और हमें अपेक्षा है, उम्मीद है कि ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंचेगा और इसका अधिक से अधिक फायदा लोग उठाएंगे और स्वयं पहल करके जो भी उनके सुझाव हैं, जो भी उनकी सोच है, हर किसी के मन में कुछ ना कुछ रचनात्मक होता है, वो हमें दें, हमें अवगत कराएं और उनके साथ में मिलके, उनके साथ में आगे बढ़ के हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से उन सभी सुझावों को इम्प्लीमेंट करेंगे और पुलिसिंग को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पुलिस द्वारा शुरू की गई यह मुहिम आम जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। महोबा से संवाददाता भय रजावत की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। मैनपुरी के बेवर में छात्र प्रियंका पुत्री रमेश चंद्र स्कूल अमर शहीद इंटर कॉलेज जा रही थी, तभी कुसमुरा की तरफ से आ रहे ट्रक ने छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे आलाधिकारी सीओ प्रियांक जान, बेवर थाना अध्यक्ष पहुंच सिंह जी घटनास्थल पर पहुंच गए, तभी ग्रामीणों ने जाम लगाकर शव को उठाने से इनकार कर दिया। तभी क्षेत्राधिकारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। थाना क्षेत्र नगला कहरी निवासी छात्रा प्रियंका पुत्र रमेश चंद्र प्रातः करीब 7:15 पर स्कूल अमर शहीद इंटर कॉलेज बेवर में पढ़ने जा रही थी, तभी कुसमुरा की तरफ से आ रहे ट्रक ने छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे आलाधिकारी सीओ प्रियांक जैन, बेवर थाना अध्यक्ष पहब सिंह जी घटनास्थल पर पहुंच गए, तभी ग्रामीणों ने जाम लगाकर शव को उठाने से इनकार कर दिया। तभी क्षेत्राधिकारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम परौखा निवासी रमेश चंद्र की 16 वर्षीय पुत्री प्रियंका सुबह 7:15 बजे साइकिल से पहले कीर्ति पुत्र ब्रह्मानंद, रीना पुत्र विश्राम सिंह, सदान पुत्र महेश चंद्र निवासी गढ़ परोखा अपनी साइकिल में अमर शहीद इंटर कॉलेज बेवर में पढ़ने जा रही थी। सभी बच्चियां ग्राम नगला कहरी में अपनी अपनी साइड पर व अपने हाथ पर जा रही थी, तभी पीछे से आ रहे ट्रक संख्या RJJB09773 का चालक बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर प्रियंका की साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे ट्रक का अगला पहिया युवती के सर से निकल गया, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। आपकी कौन थी ये? मेरी बहन थी। बहन थी, क्या नाम था? प्रियंका। कैसे घटना हुई है ये? ये तो मैं पढ़ने जा रही थी और अचानक ये ट्रक से टकरा गई। ट्रक से टकरा गई? ट्रक किधर की ओर से आ रहा था? ट्रक बेवर की ओर से, इटावा की ओर से आ रहा था। दवाई रोड से आ रहा था। कौन स्कूल में पढ़ती है? और रही थी। इसका नाम प्रियंका था, पिताजी का नाम श्री रमेश था। ये सुबह
करीब 8 बजे घर से निकली और यहाँ पर 20 मिनट हुए यहाँ फेरी नंगला आने के बाद, पीछे से आ रही ट्रक बहुत तेज़ी से बड़ी लापरवाही से चला रहा था, उसने आगे से पीछे से चढ़ा दिया अपने ट्रक को और जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई और पुलिस फ़ोन किया तो पुलिस करीब 1 घंटे बाद। सुबह 8:15 बजे मैं सूचना मिलती है कि नगला कहरी के समीप रोड पर एक बालका का एक्सीडेंट हो गया है। इंस्पेक्टर बेवर और मैं खुद कई स्थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक बालका का एक्सीडेंट ट्रक के द्वारा हो गया है। हमने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और बालका के सबको पोस्टमार्टम के लिए हमने भेज दिया है, अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है पुलिस 1 घंटे लेट पहुंची है, उसके कारण जाम भी लगा रहा 2 घंटे, क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुलिस लेट पहुंची, हमें जो ही सूचना मिलती है 8 बजे घटना बताते हैं और 8:40 पर हमारी पुलिस पहुंच जाती है, तो जो जैसी स्थिति में था हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। मैं स्वयं भी जल्द से जल्द उठ के एकदम मौके पर पहुँचा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि इसकी वजह से जाम लगा कि पुलिस लेट पहुँची। जिसका शव पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मैनपुरी से संवाददाता राहुल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। अगर हम बात करते हैं धरती के भगवान की, जिसको हम डॉक्टर के रूप में जानते हैं, मरीज इलाज के लिए उनके पास जाता है या उम्मीद देकर कि डॉक्टर साहब के इलाज से हमको फायदा मिलेगा, मगर जब वह फायदा ही मौत और जिंदगी के बीच देखा जाए तो क्या गुजरेगी इलाज करा रहे मरीज पर। जी हाँ, एक मामला ऐसा ही फतेहपुर में देखने को मिला, जहाँ एक महिला जिसकी तबीयत खराब थी, गाँव का एक छोला छाप डॉक्टर उसका 15 दिनों से परिजनों के भरोसे में लेकर पैसे की लालच में महिला का इलाज करता रहा, लेकिन महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई थी। अगर हम बात करें धरती के भगवान की, जिसको हम डॉक्टर के रूप में जानते हैं, मरीज इलाज के लिए उनके पास जाता है या उम्मीद लेकर कि डॉक्टर साहब के इलाज से हमको फायदा मिलेगा, मगर जब वह फायदा ही मौत और जिंदगी के बीच देखा जाए तो क्या गुजरेगी इलाज करा रहे मरीज पर। जी हाँ, एक मामला ऐसा ही देखने को मिला, जहाँ एक महिला जिसकी तबीयत खराब थी, गांव का एक झोला छाप डॉक्टर उसका 15 दिनों से परिजनों को भरोसे में लेकर पैसे के लालच में महिला का इलाज करता रहा। इस दौरान महिला की हालत में सुधार न कर हालत बस से बदतर हो गई। महिला की हालत नाजुक देख परिजन सरकारी अस्पताल की शरण में पहुंचे, जहां महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के हदगाम थाना क्षेत्र के हरिरामपुर गांव निवासी रेखा, जिसको 15 दिनों से बुखार आ रहा था, जिसका गोकुलपुर के तिवारी नामक वैद्य इलाज कर रहा था। तिवारी वैद्य अपनी काबिलियत के दम पर महिला को अपनी चूर्ण रूपी दवा के इलाज कर परिजनों की जेब ढीली करने में लगा रहा। इनको क्या हुआ? इनको बुखार था, पहले टाइफाइड मलेरिया बोल रहे थे हदगाम अस्पताल के, नहीं हाँ। तो भी इनके बाटर हदगाम में चढ़ाए, उसके बाद बोल रहे कि इनको ले जाइए फतेहपुर ले जाना। कौन डॉक्टर है जो बाटर चढ़ा रहे? तो उनको नाम हमको नहीं पता अस्पताल। कितने दिन से इलाज चल रहा था इनका? भी 15 दिन से बुखार आ रहा है। तो सरकारी डॉक्टर इलाज कर रहे थे? पहले प्राइवेट में वैद्य डॉक्टर को दिखाया। क्या नाम उनका? गोकुलपुर के पंडित जी है ना, पता नाम गोकुलपुर के पंडित जी। हाँ, लेके आया है, क्या है पूरा मामला? जेल रोड पर सूचना प्राप्त हुई थी कि ये ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं, उसमें पुलिस मौके पर गई थी और इनको पकड़ के लाया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है और जानकारी की जा रही है, जो भी जानकारी आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई। महिला की तबीयत सुधारने के बजाय दिन प्रतिदिन और बिगड़ती गई। एक दिन ऐसा आया कि महिला पागलों जैसी हरकतें करने लगी। महिला को परिजन हदगाम स्वास्थ्य केंद्र लेकर वहां पहुंचे कि डॉक्टर ने महिला को जिला अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत चिंताजनक देखते हुए कानपुर के लिए रेफर कर दिया। महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर आर.एम. गुप्ता ने बताया कि महिला गर्भवती है, गलत इलाज की वजह से महिला की ऐसी हालत हुई है, जिसका प्राथमिक उपचार कर कानपुर रेफर किया जा रहा है। बाकी जाँच के बाद वहीं पता चलेगा कि क्या वजह है। जौनपुर में कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरा खाली है, यहाँ पर सुविधाएं होने के बावजूद लोग नहीं ठहर रहे हैं। इसका कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिरकार लोग रैन बसेरे से दूरी क्यों बनाए हैं। हाँ, इतना जरूर लोगों का कहना है कि रैन बसेरे में अगर रात गुजारनी है तो आधार कार्ड दिखाना जरूरी है। गरीब तबके व मुसाफिरों के पास अगर मौके पर आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें खुले आसमान के नीचे व दुकानों की ओट में रात गुजारनी होगी। कुछ ऐसी ही तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। जौनपुर के शाहगंज रैन बसेरा में अगर आपको रात गुजारनी है तो आपके पास आधार कार्ड रहना जरूरी है। हम यह नहीं कह रहे कि रैन बसेरा में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी का कहना है, जो अपने अधिकारियों का आदेशों का पालन कर रहा है। जौनपुर के रैन बसेरा में पसरा सन्नाटा इस बात का गवाही जरूर दे रहा है कि ठंड पर आधार भारी है, जिसके कारण लोग रैन बसेरा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आखिरकार आधार कार्ड न होने के कारण उन्हें खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। रैन बसेरा में आधार कार्ड मांगे जाने पर उपजिलाधिकारी ने कहा कि अभी मेरे संज्ञान में आया है, इसकी जांच कराई जाएगी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी से पूछा जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति ठन से ठिठुर रहा है तो पहले हम उसको आश्रय देंगे, ना कि उस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। उच्चतम न्यायालय भी आधार कार्ड को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानती, लेकिन जितना महत्वपूर्ण शाहगंज नगर पालिका प्रशासन आधार कार्ड को मान रही है, जिसकी वजह से लोग खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। यहाँ नगर पालिका द्वारा बसेरा लगाया गया है, पर यहाँ पे आधार कार्ड होना ज़रूरी है और व्यवस्था तो दी गई है, पर लेकिन यहाँ आधार कार्ड ज़रूरी है। और यहाँ पर गरीब अगर कोई आता है जिसका कपड़ा गंदा हो, इस तरीके का कोई मामला हो, तो उसको हटा दिया जाता है, यहाँ नहीं रहने दिया जाता, और यही वो रैन बसेरा है। इसकी शिकायत आपने की है? हाँ, कई अधिकारियों से की गई है, कहा गया, लेकिन अभी तक मामला अधिकारियों के संज्ञान में है। अब देखिए उसमें कार्रवाई क्या करते हैं। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ? 40 रजाई है, 40 गद्दा है, कम्बल है, हरा जल जल रहा है, आधार कार्ड लेते हैं तब आते हैं अंदर परिवार पे। ये आधार कार्ड आप लोग लेते हैं? जी जी हाँ। ये कौन कहा है? चेयरमैन साहब। क्या नाम है आपका? नसीर अहमद। क्या है, क्या यहाँ जो है, क्या क्या व्यवस्था है? रजाई है, गद्दा है, कम्बल है, यात्रियों से आधार कार्ड लिया जाता है तब अंदर परमिशन दिया जाता है सोने के लिए। यहाँ लोग आते हैं? आते हैं लेकिन कम आते हैं। आखिर क्या वजह है लोग कम क्यों आते हैं? भाई इसका हमको जानकारी थोड़ी है। क्या नाम है आपका? जिसान हैदर। सर, सागंज में रैन बसेरा क्या व्यवस्था की गई? सागंज में 2 रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं, 1 नगर पालिका कैंपस में, नगर पालिका परिषद सागंज कैंपस में, दूसरा जो है चिकित्सा जो हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल, उसमें है। सर, जो सरकारी हॉस्पिटल में बसेरा है, वहाँ लोगों से जो आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, क्या कहाँ तक सही है? सुप्रीम कोर्ट भी जो है आधार कार्ड इतना जरूरत नहीं मांगता? मेरे संज्ञान में मैटर नहीं है, आप बता रहे हैं तो मैं अभी डॉक्टर साहब से बात करूँगा, नगर पालिका के ईओ से बात करूँगा। अगर ऐसी कोई डिमांड की जा रही है तो गलत है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, पहले हम उसको आश्रय देंगे, पहले उसका हम आइडेंटिफिकेशन नहीं जांच करेंगे। अगर ठंड में किसी की मौत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आधार कार्ड या नगर पालिका प्रशासन, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार को लेकर शाहजहांपुर में अखिल भारतीय केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर यहां के मजदूरों द्वारा हड़ताल में असंगठित मजदूर यूनियन व इंटक के बैनर तले श्रमिकों ने विशाल जुलूस निकाला। जुलूस घंटाघर से शुरू होकर बहादुरगंज होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार को लेकर आज शाहजहांपुर में अखिल भारतीय केंद्रीय संगठनों के आह्वान पर यहां के मजदूरों द्वारा हड़ताल में असंगठित मजदूर यूनियन व इंटक के बैनर तले श्रमिकों ने विशाल जुलूस निकालकर घंटाघर से शुरू होकर बहादुरगंज होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान श्रमिकों ने केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जुलूस का नेतृत्व इंटक जिला अध्यक्ष पवन कुमार सिंह व असंगठित मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खुर्शीद ने किया। ज्ञापन देते हुए इंटक जिला अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि श्रम कानूनों की सख्ती से लागू किया जाए तथा श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संसाधनों को वापस लिया जाए तथा सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह से कम ना दिया जाए। ट्रेंड यूनियन का पंजीकरण 45 दिन की समय सीमा के अंदर अनिवार्य किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्मकार कल्याण बोर्ड में भवन निर्माण हेतु सुरक्षा कवच जैसे हेलमेट, सेफ्टी सूट, बेड आदि उपकरण असंगठित क्षेत्र के श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को भी उपलब्ध कराया जाए। पूरे देश में आज जितने भी देश के सारे श्रमिक संगठन है, वो 8 रनों का हमारा एक काल है, जिसमें जितनी भी राष्ट्रीय यूनियन है, श्रम फेडरेशन है, वो सब आज हड़ताल पे है। और यहाँ भी हमारे श्रमिकों की काफी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर हम जिला अधिकारी के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार जो भेदभावपूर्ण श्रमिकों के साथ नीतियां अपना रही है, उनके विरोध में हम आज यहाँ पर सामूहिक रूप से प्रदर्शन करने आए हैं। और हमारी ये प्रशासन के यहाँ से जिला अधिकारी के माध्यम से मांग है कि हमारी मांग को राष्ट्रपति महोदय और प्रदेश में राज्यपाल महोदय को भेजा जाए। ये दोनों जो केंद्र और प्रदेश की सरकारें जो श्रम पूरी तरीके से श्रम विरोधी हैं, इनको बर्खास्त तथा निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों को शत प्रतिशत पंजीकरण श्रम विभाग में किया जाए। अब दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।